हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के बना रहा हूँ। आप छोटे मोटे सॉफ्टवेयर गूगल शीट में भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये सॉफ्टवेयर, आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है यूपी, फिर यहाँ पे एमपी लिखा हुआ, ये स्टेट के नाम है। तो ये कुछ स्टेट के नाम है और ये स्टेट के नाम बार बार रिपीट भी हुए हैं, उनसे रिलेटेड सिटीज के नाम यहाँ पे लिखे हुए। जैसे यूपी की सिटी है देवरिया, एमपी की सिटी है इटारसी, बिहार का सिटी है पटना, राजस्थान जोधपुर, फिर यूपी का लखनऊ है। अलग अलग सिटीज के नाम दिए हुए हैं, अलग अलग स्टेट के भी नाम दिए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर यूपी सर्च करें तो यहाँ पे यूपी के सिटीज के नाम आए, जैसे कि यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं। ये डेमो वीडियो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका क्या है मतलब, ये क्या है, जैसे यूपी मैंने सेलेक्ट किया था ना, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ एमपी, तो जैसे ही एमपी सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा लिस्ट चेंज हो जाता है अपने आप। ये देखिए एमपी के सिटीज के नाम आने लगे। अगर मैं यहां से चेंज कर देता हूं, इसको बिहार कर देता हूं, तो देखिए बिहार के सिटी के नाम आ रहे हैं। देख सकते हैं पटना, सिवान, छपरा। तो यहां से चेंज कर देता हूं राजस्थान, तो देखिए राजस्थान के जो भी सिटीज हैं उनके नाम आने लगे। तो ऐसे बड़े पैमाने पे भी आप कर सकते हैं। इसमें फिल्टर फॉर्मूला काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो सकता है। देखिए फिर अगर इसको यूपी कर देता हूं तो यूपी के सिटीज के नाम आने लगे। तो ये बहुत आसान है, डेटा वैलिडेशन और फिल्टर फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से ही आप कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसी सेम डेटा को कॉपी कर लेते हैं। तो यही डेटा मैं ले लेता हूं, आपके पास कोई बड़ा डेटा है तो आप उसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से एक चलते हैं डिफरेंट शीट पर और इसको यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ये देख लिया आपने। अब देखिए यहां पर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन हमने बनाई है, जो मैंने आपको दिखाई दिया कि यहाँ पे बिहार चूज करता हूं तो यहाँ पे बिहार के सिटीज के नाम आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमको शीट टू पे भी करना है। तो यहां पर हम बनाएंगे ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन, तो इसको मैं मर्ज करवा लेता हूं। ठीक है, मर्ज करवाने के लिए कहां जाएंगे, मर्ज करवाने के लिए यहां पर आएंगे, ये जो देख रहा है आपको मर्ज सेल, तो यहां पे क्लिक कर दीजिए, ये मर्ज हो जाता है। अब यहां पर मैं लिख देता हूं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन, तो ये लिखा डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। ओके, तो ये इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है, यहां पर क्लिक करके और फिर यहां से आपको चेंजेस करने हैं। ठीक है, इसको अलाइन करना है, तो हम इसको सेंटर में और बट जो सेंटर अलाइन होता है मिडिल अलाइन होता है, उसे हम मिडिल अलाइन और सेंटर अलाइन कर दिया। यहां पर आकर के इसका जो भी लुक है वो चेंज कर देंगे, थोड़ा सा इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना है कर लेंगे। अब यहां पर हम चाहते हैं कि जो स्टेट का नाम आए वही सिटी का नाम भी यहां पर शो करे, इसी के अकॉर्डिंग शो करना चाहिए, यही हम चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहां पर क्लिक रखते हैं और यहां से जाते हैं डेटा टाइप पर, और जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे चले जाते हैं। जैसे ही डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो यहां पर आपको नजर आएगी लिस्ट फ्रॉम अ रेंज, आपको कोई और इसमें नहीं रखना है, आपको लिस्ट फ्रॉम अ रेंज ही रखना है। ये रेंज रख लिया, अब आपको क्या करना है, अब यहां पर मैं चूज करने वाला हूं ये, यानी सिटी को चूज, ये स्टेट को चूज करूंगा। तो यहां से आप चूज कर लीजिए पूरा स्टेट। ठीक है, आप पूरा स्टेट चूज कर सकते हैं या यहां पर इतना चूज करके और यहां पर ए कर देंगे तो ये पूरी की पूरी जो कॉलम है वो रेंज में आ जाएगी। तो यहां पर मैं पूरा कॉलम ही रेंज में रख लेता हूं और यहां से ओके कर देता हूं। ठीक है, ये ए रखने से क्या होगा, पूरा कॉलम रेंज में आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर रिजेक्ट इनपुट पे भी क्लिक कर देता हूं और यहां पर जाकर के और ओके कर देता हूं। तो यहां पर देखेंगे कि ये यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान, ये जो हमारे पास है ये पूरा ही रेंज में आ जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां पर आना है। यहां पर आने के बाद आपको एक फंक्शन यूज करना है फिल्टर का, ये आपको गूगल शीट में मिल जाता है एक्सेल के एडवांस वर्जन में, यानी कि एक्सेल 365 में आपको ये मिलेगा। आप सेम काम एक्सेल पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सेल का 365 है तो। ठीक है, अब यहां से आप क्या करिए, इतना चूज कर लीजिए, ये चूज कर लिया। हम चाहते हैं कि पूरी रेंज ही आ जाए, यानी पूरा बी कॉलम ही आ जाए, तो यहां से इसको हटा दीजिए, ये पूरा रेंज सिलेक्शन में आ चुका है। कॉमा लगाएंगे और यहां से हम अब स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, तो ये स्टेट को सेलेक्ट किया, पूरी रेंज लेने के लिए हम यहां पर 8 को हटा देते हैं, यानी रो नंबर को हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने। इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे इज इक्वल टू लगाने के बाद आपको इस वाले को सेलेक्ट करना है, यहां पर जो आए उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाए, तो बस यहां पर करके एंटर कर दीजिएगा, यहां पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा उसी हिसाब से। यहां पर देखेंगे तो यहां पर यूपी सेलेक्ट करेंगे तो केवल यूपी के सिटीज के नाम ही आएंगे। अगर मैं यहां से एमपी चूज करता हूं तो केवल एमपी के सिटीज के नाम ही आ रहे हैं, देख सकते हैं। अगर मैं बिहार चूज करता हूं तो यहां बिहार के सिटीज के ही नाम आ रहे हैं, अगर मैं राजस्थान चूज करता हूं तो राजस्थान के सिटीज के नाम आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी संभव है। ठीक है, इसमें और भी ज्यादा स्टेट और सिटीज को ऐड करना है
या और भी ज्यादा इसे कन्वीनियंट बनाना है तो आप और भी ज्यादा कन्वीनियंट बना सकते हैं। तब तक के लिए इतनी वीडियो मैंने आपको बता दी, इस वीडियो में इतना बता दिया कि कैसे ये क्रिएट करेंगे। आगे के वीडियोस में और भी चीजें इसमें बताता रहूंगा। ओके, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।